टीवी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हॉरर टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। खूनी पेड़। बिट्टू और बंटी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों जंगल के पास एक गांव में रहा करते हैं और अक्सर रात में अपने घर के सामने बैठकर बातें करते रहते हैं। एक रात बहुत ही ठंडी होती है। दोनों घर के बाहर आग जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं। तभी उनकी नजर जंगल की तरफ जाती है। जंगल में कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई देती है। दोनों सोचते हैं शायद कोई लाइट होगी, लेकिन वह ध्यान से देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उस जगह पर तो कहीं लाइट के खंभे ही नहीं है। फिर जब वह लाइट को दोबारा देखते हैं तो वह लाइट बहुत सारे छोटे छोटे बल्ब जैसे उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दोनों को बड़ा आश्चर्य होता है। सर्दी बहुत होने की वजह से वह शाल ओढ़े हुए उस लाइट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वह लाइट भी उन्हें देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और देखते ही देखते वह दोनों घने जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। उस पेड़ को देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसे देखकर लग रहा था मानो कोई लाइटिंग से चमकता हुआ खूबसूरत पेड़ हो, लेकिन देखते ही देखते उस पेड़ में से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। पेड़ की डाल पर उन्हें बहुत ही अजीब सा कोई पक्षी जैसा जानवर दिखाई देता है। वह देखने में बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा होता। अंधेरा होने के कारण साफ साफ तो नहीं दिखाई दे रहा होता, लेकिन तभी बिट्टू और बंटी डिसाइड करते हैं कि इस जादुई चमकते पेड़ के पीछे की कहानी क्या है, आज यह तो हम जानकर ही रहेंगे। और तभी बंटी कहता है, बिट्टू आज इस पेड़ का रहस्य जानकर ही जाएंगे, भले ही कुछ भी हो जाए। और बंटी एक लकड़ी उठाकर और बिट्टू एक पत्थर उठाकर उस पक्षी की ओर फेंकता है और तभी वह अजीब सा पक्षी अपने असली रूप में आ जाता है और अपने पैरों के बल से उस डाल से नीचे लटक जाता है। उस अजीबोगरीब जानवर जैसे पक्षी को देखकर दोनों की आंखें बाहर निकल आती हैं। वह बहुत डर जाते हैं और देखते ही देखते वह पक्षी नीचे गिर जाता है और उसके पूरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। चारों तरफ बस खून ही खून बिखर रहा होता है। यह देखकर दोनों काफी डर जाते हैं कि तभी वह पूरा पेड़ अचानक हिलने लगता है और सारे लाइट बंद हो जाते हैं और तभी जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है। दोनों हंसते हुए पेड़ को देखकर एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाते हैं और छुपकर सब देखते रहते हैं। हंसते हुए पेड़ का खूंखार रूप देखकर दोनों डर जाते हैं। वह अपने डाल के बड़े बड़े नाखूनों से मांस के टुकड़ों को उठाकर अपने मुंह के अंदर डालकर पूरे मांस के टुकड़े खा जाता है। तभी यह सब देखकर बंटी की चीख निकल जाती है। वह बहुत ही जोर से चिल्ला देता है और आवाज सुनकर वह भूतिया पेड़ उन दोनों को इधर उधर ढूंढने लगता है। बंटी और बिट्टू बहुत जोर से दौड़ लगा लेते हैं और वह पेड़ बंटी को अपनी शाखाओं से उसके पैर को पकड़ लेता है और उसे उल्टा अपने पास खींचता जाता है। बिट्टू यह देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वह उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे पत्थर फेंकने लगता है। तभी वह पेड़ एक डाली उसकी ओर भी बढ़ा देता है। अपने सामने उस पेड़ के खूंखार हाथ को आते देखकर वह बहुत ही डर जाता है और वह जल्दी से एक बड़े पत्थर को उसकी डाली की तरफ लुढ़का देता है।
और वह पत्थर लुढ़कता हुआ उस डाली के ऊपर जाकर रुक जाता है और वह बिट्टू को जल्दी से वहां से छुड़ाकर दोनों वहां से निकल जाते हैं। भागते भागते दोनों बहुत ही थक जाते हैं और एक पेड़ के पास आकर दोनों बैठ जाते हैं। लेकिन अचानक पेड़ के हंसने की आवाज फिर से आने लगती है। क्योंकि जिस पेड़ के पास वह दोनों बैठे हुए थे वह वही खूंखार खूनी पेड़ था जो जोर जोर से हंसने लगता। उसका खूंखार रूप देखकर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। उसका नुकीले दांत वाला मुंह, लाल लाल डरावनी आंखें और बड़े बड़े नाखूनों वाली डालियां उनके पास आते हुए दोनों देखकर कांपने लगते हैं। उनको लग रहा होता है अब वह भी उस पक्षी जैसे मांस के टुकड़ों में बदल जाएंगे। देखते ही देखते वह भूतिया पेड़ दोनों के पैर पकड़कर उल्टा लटका देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी बिट्टू अपने दांतों से उस भूतिया पेड़ की उंगली को काट देता है और वह जहरीला शैतानी पेड़ उसे छोड़ देता है और बिट्टू अचानक नीचे गिर जाता है और तब वह जाकर बंटी को बचाने की कोशिश करने के लिए वह एक चट्टान के पीछे से देखने लगता है कि पेड़ अपने दोनों हाथों से उसके दोस्त बंटी के दोनों पैरों को पकड़ लेता है और अचानक पूरे शरीर को दो हिस्सों में फाड़ देता है और यह सब देखकर बिट्टू की रूह कांप जाती है। वह कांपने लगता है और देखते ही देखते वह भूतिया पेड़ उसके दोस्त को चबा चबा कर खा जाता है। उसके शरीर के टुकड़े हो जाते हैं और चारों तरफ खून ही खून निकलने लगता है और बिट्टू अपने दिल पर पत्थर रख कर वहां से दौड़ लगाकर अपने घर वापस लौट जाता है। पर वह जाते जाते रोते हुए एक कसम खाता है कि अगली रात वो इसी भूतिया जंगल में किसी ना किसी को लेकर जरूर आएगा और इस पेड़ से अपने दोस्त की मौत का बदला जरूर लेगा। क्या हुआ होगा बंटी का? क्या खूनी पेड़ बिट्टू को भी अपना शिकार बनाएगा या फिर बिट्टू अपने साथ किसी ऐसे इंसान को लेकर आएगा जो पेड़ को ही खत्म कर देगा? जानने के लिए देखना ना भूले। जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हॉरर टीवी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये हॉरर कहानी? हमें अपने विचार कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पे आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास भी कोई मजेदार और डरावनी कहानी है तो हमें कृपया ईमेल करना ना भूलें। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में साथ साथ स्क्रीन पे दिखाई देगा।